समय प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गर्भधारण होने के लिए तैयारी कर रहे हैं विंटर में, तो आपको कौन कौन से चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मुझे कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब जो है मैं यानी कि ठंडे के मौसम में गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ठंडा का मौसम है इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, रंग बिरंगी हरी हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं, रंग बिरंगी जैसे कि फल फ्रूट्स अनाज इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही दोगुनी हो जाती है, क्योंकि इस समय सस्ता भी मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का चीज जो है फल फ्रूट्स मिलता है। तो एक जो है मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था कि हम जो है विंटर में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप विंटर के सीजन में ट्राई कर रहे हैं, गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें विंटर के सीजन में बहुत सारी चीजें वैरायटियां आने लगती हैं, जैसे कि वेरीज बहुत ज्यादा आते हैं, आंवला बहुत ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट में आता है और थोड़ा सा सस्ता भी आता है। पहले तो महंगा होता है, इसके बाद धीरे धीरे सस्ते होने लगते हैं। इसके साथ साथ साग यानी कि चने का साग हो गया, मटर का साग हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना, गर्भधारण करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करो कि आप जो है गाजर बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है तो गाजर ले लो, चुकंदर ले लो, इसके साथ साथ आप अनार ले लो, अगर अनार नहीं ले सकते हो तो खीरा ले लो, क्योंकि चुकंदर लिए हो, ये सारा चीज आपको ठंडी के मौसम में मिल जाएगा। इसका आप एक गिलास डेली का डेली जूस बना लो, उसमें आंवला भी आप मिक्स कर सकते हो। इसके बाद आप आंवले की चटनी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक ही दिन आंवला नहीं खाना है, तो आप एक आंवला या फिर ज्यादा से ज्यादा दो आंवला डेली का डेली अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करने हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आपको दो आंवले हो गए, दो आंवले का चटनी खा लीजिए, दो आंवले का जूस बना लीजिए, दो आंवले का जो है जो भी इच्छा करे वो बना लीजिए, आंवला जूस, आंवला का जो पानी है वो सुबह सुबह में खाली पेट इसका सेवन करिए। ये बहुत आपका मोटापा भी घटाएगा, आपको पीसीओडी पीसीओएस अगर थायराइड की समस्या है उसमें भी काम करेगा, और आपको एनी डिजीज है यानी कि कोई भी दिक्कत है उसमें ये आंवला काम करेगा। आंवला आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा, चुकंदर है आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, इसके साथ कैरेट यानी कि गाजर है ये भी आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, तो इसका सेवन जरूर आपको करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स की पिनिया, इस विंटर में पिनिया बहुत ज्यादा खाई जाती है, तो बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन है महिलाओं को कि ये सारी चीजें गर्म होती है तो क्या हम खा सकते हैं। तो डियर, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो चार बीज आपको हम लोग बताते हैं ना, उसको क्या करो कि अलसी का बीज हो गया और पंपकिन सीड्स हो गया, दोनों का आप पिन्नी बना लो, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको डाल के, और दो पिनिया बना लो इसका, दो जो है बीज डाल के, और इसको पीरियड से लेके और 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करो, और जो 15 दिन बच रहे हैं उसमें आप सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स यानी कि तिल के बीज और सनफ्लावर सीड्स, इन दोनों का पिनिया बना लो ड्राई फ्रूट्स डाल के, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर का मौसम तो विंटर मतलब यानी कि बाहर का मौसम तो ठंडा है और अंदर से अंदरूनी आपको ये सारी चीजें गर्मी प्रदान करेगी, और अंदरूनी ये सारी चीजें जब गर्मी प्रदान करेंगी तो आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगी। अगर ये 15 दिन लोगे तो इससे आपका FSH बढ़ेगा और आपका जो भी हार्मोन बढ़ना है एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जो अलसी के बीज वगैरह लोगे तो। उसके बाद जो 15 दिन लोगे उससे आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़ोतरी होगी, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे जो है हार्मोन बढ़ेंगे जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसका पिनिया बना लो, इसके साथ साथ आप हर एक चीज आपको खाने हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको ठंड के मौसम में विंटर में कोई चीज नहीं खाने हैं, हर एक चीज खाने हैं, लेकिन मीडियम अमाउंट में हर एक चीज खाने हैं। पहले आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खा रहे थे, लेकिन अब भिगोने की जरूरत नहीं है, अब आप ड्राई फ्रूट्स को सूखे ही खा सकते हो, कोई ये गर्मी नहीं करने वाली है। और जो अलसी वगैरह का बीज होते हैं इसको तो आप जो है विंटर जो ही शुरू हो गया है बिल्कुल ही अपने डाइट में शामिल बिल्कुल ही कर लो। जो चार सीड्स होते हैं ना, अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, इन चारों बीजों को लेकर आओ और अपना मार्केट से लेकर आओ और इसको आप जो है पिनिया वगैरह बनाओ। अगर आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो मैं यहाँ पे
लिंक लगा दूंगी, मेंशन कर दूंगी, वहां से भी आप खरीद सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरी चीज है कि आपको इस जो विंटर होता है इसमें ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, ये सारा चीज बहुत अच्छे जो है अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो इसको भी अपने डाइट में बिल्कुल ही आपको शामिल करने हैं। ज्वार है, बाजरा है, बाजरे की जो है रोटियां बनाओ, बाजरे का पिनिया बनाओ, बाजरे का हर एक चीज बनाओ, रागी है, रागी का भी बनाओ। ये सारे चीज क्या करते हैं ना कि आपका जो फर्टिलिटी होता है उसको बूस्ट करते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो विंटर है उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, तो पालक का आप सूप बना सकते हो, पालक का जूस बना सकते हो, इससे आयरन आपको बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है, आपका ओवुलेशन अच्छे होते हैं। तो ये सारे चीजों का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं विंटर में ही ये 2 से 3 महीने में ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3 महीना होता है बिल्कुल आपकी बॉडी बाहर से ठंडी रहती, जो बाहर से ठंडी पड़ती है तो अंदर से भी ये ठंडी रहती है, अंदर से इसको गर्मी की जरूरत होती है। तो आप अपने डाइट को बेस्ट बना के आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स डाइट को बेस्ट बनाओ, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में वॉकिंग जरूर आपको करने हैं, बिल्कुल ही वॉकिंग करने हैं। वॉकिंग के बाद आपको अनुलोम विलोम करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन करने हैं। ये तीनों चारों जो है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी करने चाहिए। ये सारे एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में गर्मी प्रदान होती है, और गर्मी प्रदान होती है इससे आपके ओवुलेशन जो है अच्छे से होता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी अच्छी बनती है, और आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब आप बात करोगे कि स्ट्रेस तो पहले हो रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डियर स्ट्रेस को कम करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर स्ट्रेस आपका कम नहीं होगा तो आपको गर्भधारण नहीं होगा। इस चीज को आप समझिए कि स्ट्रेस को आपको किसी भी तरह से कम करना ही पड़ेगा, तो ही आपको प्रेगनेंसी प्लान आप कर पाओगे, प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम करिए, और इसको कम करने के लिए अगर आपको किसी भी चीज से स्ट्रेस हो रहा है तो उससे अपना ध्यान हटाइए और दूसरे तरफ अपना ध्यान बटाइए। यानी कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उससे आप ध्यान हटा लीजिए और दूसरी तरफ ध्यान लगा दीजिए। उसके साथ साथ आप फ्रेंड्स इस विंटर में डिटॉक्स वाटर आप बिल्कुल ही बना लीजिए। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाने हैं इस पे मेरे वीडियो है, वीडियो को देखिएगा। जैसे कि आप नींबू ले लीजिए, बीटरूट ले लीजिए, यानी कि चुकंदर ले लीजिए, उसके साथ साथ आप चिया सीड्स ले लीजिए, और इन सारे चीज को एक जो है बॉटल में भर लीजिए और 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। जब ये फूल जाते हैं तो इसका जो है डिटॉक्स वाटर बनाइए। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, उसको भी आप चेकआउट करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है अदरक का इस्तेमाल करिए। अदरक पानी, हल्दी पानी, हल्दी का अचार हो गया, अदरक का हो गया, अदरक को कूट के और जूस चम्मच में भर के नहीं पीने हैं, ये आपको गर्म करेगा। लेकिन अदरक का चाय ले लीजिए। चाय आपको कैसे बनाने हैं, केवल अदरक का चाय, आपको चाय पत्ती दूध वगैरह उसमें नहीं डालने हैं, केवल अदरक का चाय बना के लीजिए। उसके साथ फ्रेंड्स अदरक को अपने डाइट में इस्तेमाल करिए। बहुत सारी लहसुन अच्छे मात्रा में खाइए, यानी कि आपका विंटर जो होता है गोल्डन चांस होता है आपको गर्भधारण करने के लिए। तो इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करने हैं, अपने डाइट को बिल्कुल बेहतर बनाइए और मिनिमम हर एक चीज खाइए, एक मॉडरेट अमाउंट में खाइए, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत ज्यादा चीज इस में जो है विंटर में मिलते हैं, तो इन सारे चीजों का लाभ उठाइए। अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।